जो लोग कहते हैं ना कि औरतें बुरी हैं, तो औरतें बुरी नहीं है, कुछ माशरे में ऐसे लोग। आप तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें खुद कर लेती हैं, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वगैरह हमारे साथ की थी, जिसके बायस हमारा ठिया वहाँ से हटाया गया। छोटे मोटे काम ये मुझसे करवाती हैं और ज़्यादा बस मुझे ठिए की तरफ ये सिकाई वगैरह पे सारा काम इनका है। तो गर्मी के लिहाज की वजह से हमारी मिठाई का काम चल नहीं रहा था, मिठाई अक्सर ख़राब हो जाती थी, घर में परेशानी बढ़ने लगी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हमजा। नाज़रीन, आपने ख़वातीन को फूड स्ट्रीट पे भी काम करते हुए देखा होगा और मुख्तलिफ काम करते हुए देखे होंगे। नाज़रीन, हम भी उनकी कवरेज करते हैं और दिखाते हैं आपको कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना आगे आगे पेश पेश हों और अपने घर के कफील खुद बन रही हैं। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ। एक शख्स है जिनका नाम है काशिफ, इनकी दो बेगमात हैं और दोनों एक साथ मिलकर जो है ठिया लगाया है और उन्होंने आलू का पराठा और मुख्तलिफ कबाब वगैरह उन्होंने इधर लगाए और लोगों को जो है सेल्फ मेड बनकर सर्व कर रही हैं। तो आपकी उनसे बात भी कराते हैं। नाज़रीन, हमने अक्सर ये देखा है कि दो सौतनें जब घर पे होती हैं तो मामला थोड़े बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन इनमें इतनी प्यार मोहब्बत और उल्फत है कि दोनों मिलकर साथ काम कर रही हैं। तो दोनों से आपकी बात कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, इनके जो शौहर थे वो मिठाई का ठिया लगाया करते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा कारोबार में सुस्ती आई, उसके साथ इनकी दोनों बेगमात जो हैं इनके बाजू बनी और साथ मिलकर इनके घर को चलाने का फैसला किया। आइए इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये वो दो खातून हैं काशिफ भाई की बेगमात और इनकी दूसरी वाइफ हमारे साथ मौजूद है मरियम साहिबा, जिनका आइडिया था कि हम अपने शोहर का बाजू बनते हैं और इनकी पहली बेगम ने भी ये बोला जी दोनों मिलकर इनका बाजू बनते हैं और ठिया लगाते हैं और अपने घर की कफालत खुद करते हैं। मरियम मेरी बहन, आपको पहले तो सलाम है कि, और दूसरा सलाम आपको इसलिए कि आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वरना हमने अक्सर ये देखा है कि बड़े लड़ाई झगड़े बड़े मामलात हो जाते हैं, लेकिन आपकी प्यार मोहब्बत तो अल्लाह ताला बरकरार रखे। कैसे सोचा और क्या आइडिया था? एक्चुअली मैं दूसरी बीवी हूँ, ये पहली हैं, तो तीन बच्चे इनके हैं, तीन मेरे हैं। पहले हमारे हस्बैंड मिठाई का ठिया लगाते थे, तो गर्मी के लिहाज की वजह से हमारी मिठाई का काम चल नहीं रहा था, मिठाई अक्सर ख़राब हो जाती थी, घर में परेशानी बढ़ने लगी। तो फिर मैंने इनसे कहा आप ही से बड़ी से कि वैसा करते हैं, आलू का पराठे का ठिया लगाते हैं। कहने लगी चलाएगा कौन? तो मैंने कहा मैं चलाऊंगी और आप चलाएंगी दोनों मिलके। कहने लगी ठीक है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और साथ में मिलके हम लोगों ने सोचा कि एक साथ फैमिली की तरह काम करेंगे, अपने मियाँ का बाजू बनेंगे और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हम बाहर निकले। अच्छा ये बताएं, सबसे ज़्यादा वो काम करती हैं, आप करती हैं, बनाता कौन है सारी चीज़ें? मैं ज़्यादा लाडली हूँ इनकी, बड़ी वाली की। मैं ज़्यादा चटनी वटनी नहीं पीस सकती, मेरे हाथों पे जलन होती है, सारा काम इनकी तरफ से। छोटे मोटे काम ये मुझसे करवाती हैं और ज़्यादा बस मुझे ठिए की तरफ ये सिकाई वगैरह पे सारा काम इनका है। अफशीन बाजी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, आप तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें खुद कर लेती हैं, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? अल्लाह ताला हिम्मत देता है, हिम्मत बनाने से बनती है, खुद तो नहीं बनती ना हिम्मत, खुद तो नहीं आती। कभी कमतर तो महसूस नहीं करती? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं करती। काम करके जब फारिग होके घर जाती हैं तो कितना फ़क्र महसूस होता है? बहुत फ़क्र महसूस होता है जब यहाँ से जाके जाते हैं घर पे, तो बच्चों के अंदर बड़ा महसूस होता है कि हाँ चलो अपनी। मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि लोग परेशान भी करते हैं और लोग सराहते भी हैं, तो ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं या ज़्यादा लोग तनकीद करते हैं? पहले हमारा ठिया 10 नंबर पर था, जफर लस्सी वाले के सामने, तो हमारा शुरुआत वहीं से हुई थी मिठाई के ठिए की भी। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अप्रिशिएट भी किया था, पर काफ़ी लोगों ने हमें तलकीद का निशाना बनाया था, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वगैरह हमारे साथ की थी, जिसके बायस हमारा ठिया वहाँ से हटाया गया। तो अब हमने यहाँ पे रेंट पे जगह लेके यहाँ ठिया लगाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी रोटी अल्लाह पाक देने वाला है। और जो लोग कहते हैं ना कि औरतें बुरी हैं, तो औरतें बुरी नहीं है, कुछ माशरे में ऐसे लोग हैं जो औरतों को कमाने नहीं देते हैं। अगर आपने हमें वहाँ से हटा दिया गया है तो हम भूखे नहीं मरेंगे, रोज़ी रोटी अल्लाह पाक देने वाला है। हमने यहाँ पर हिम्मत करके ठिया लगा लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे भी हमारा कारोबार चल रहा है। बहुत शुक्रिया मरियम और अफशीन हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आपने देखा कि इंसान हिम्मत करे तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। तो नाज़रीन, ये यहाँ पे बड्डी चौक पर इनका ठिया है, आप आएँ इंजॉय करो, इनको सपोर्ट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।